For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. आपको लगता है कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं और अब उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है कि यू नो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और दोस्ती का हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है उसको सामने से एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. दोस्ती का हाथ बढ़ाया मतलब इंडिया ने सामने से बहुत बार ट्राई किया, लेकिन अभी भी सीज फायर चालू ही है. तो जब हाँ, जब अभिनंदन जी को वापस कर रहे थे तो तभी उनका सीज फायर चालू था. पिछले 8-9 दिनों में 40 सीज फायर हो चुके हैं. तो ये सब चीज़ें देखा जाए तो ये सब चीज़ें उनके उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कुछ मतलब नहीं बनता. कोई मैं तो बोलता हूँ कोई एहसान नहीं किया उसने वापस देकर. उसने दूसरे कंट्री के प्रेशर पे दिया है. अमेरिका, रशिया, इजराइल, ये तीनों कंट्री ने प्रेशर दिया उनको कि उसको छोड़ो जल्दी से जल्दी. तो उसने कोई एहसान नहीं किया है. सबको लगता है कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए. करके भी क्या फायदा, पीठ पीछे तो वार करेंगे ही ना. एब्सोल्युटली वी शुड. वॉर डजंट गेट अस एनीथिंग बट लव एंड स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. और इस समय पे व्हेन एवरीथिंग इज सो वॉलेटाइल, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक पीस. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड प्राउड ऑफ वॉट अभिनंदन हैज डन एंड हैप्पी दैट पाकिस्तान इज डूइंग इज हैज स्टार्टेड दिस ये दोस्ती हम. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. सो जाते जाते अभिनंदन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे सुपर हीरो के लिए? अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन ने एक मतलब स्टैंडर्ड रखा है एक इंडिया का, मतलब बहुत ही एक नाम हुआ है कि पाकिस्तान में जाकर भी. पहले हमने वीडियो देखा था कि एक मॉब ने पूरा उन पर अटैक किया था, उनके खून निकल रहे थे. इतने प्रेशर में होकर भी वो जब वो पाकिस्तान कमांडो के साथ में थे, बट उन्होंने हमारा कोई भी बात रिवील नहीं की, कुछ भी नहीं किया. तो एक मैसेज जाता है कि इंडियन फौजी को आप कुछ भी कर लो, कुछ भी वो किसी भी हालत में रहो, वो हार नहीं मानेंगे. अपने जो भी है इंडिया की कोई भी बात है वो बताएंगे नहीं. इससे बहुत अच्छा एक मोटो उन्होंने साबित किया है. पूरी इंडियन को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कोई भी एक जैसे पुरस्कार होता है हमें उन पुरस्कार से सम्मानित करे. ये हमारा दिल से तमन्ना है कि ये हो सके कुछ अगर अभिनंदन के लिए.